ये कि हमारी कास्ट है। कास्ट है हाँ। किसमें आते हैं ये लोग? ये ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पूरा झंडा उठाए हुए है। ओबीसी का कोई भी उठा सकता है झंडा। तो आप भी जा रही हैं यात्रा में? आप अभी जो है यात्रा 90 किलोमीटर दूर जाना है तो हिम्मत है जाने की? हाँ हिम्मत है। हिम्मत है अच्छा। भर्तृहरि बाबा खींचा का डोरी। भर्तृहरि बाबा क्या करेंगे? बुलाएंगे वहाँ। बुलाएंगे क्या किया था? फोन वन किया था उधर से? बंद आपके इसमें कौन कौन सी जाति के लोग हैं? सभी जाति के लोग हैं। मीणा भी हैं, गुजर भी हैं, योगी भी हैं। आपके खेत में वो नुलाई कर देते हैं बाबा? नुलाई नुलाई हाँ सब काम। अच्छा आपको नहीं करना पड़ता? तो बाबा जी की भक्ति करते हो तुम भी? हाँ हम भी। तो बाबा जी कभी ऐसा नहीं होता कि सारी मिठाई अपने आप बन गई हो? नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं कभी। अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली मतलब कोई पढ़ाई नहीं? भक्ति में कोई कमी रहेगी लग रहा है? नहीं भक्ति पूरी कर रहे हैं। उधर आप पुजारी बन सकते हो? मतलब कोई ब्राह्मण हो मतलब ऐसा हो कोई कोई कास्ट भगवान के लिए सबको नंगा पैदा करता है। उसके ऊपर कास्ट का ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये ब्राह्मण है ये गुजर है ये मीणा है कोई है। भगवान में आस्था होनी चाहिए। पीके फिल्म का सीन देखा है ना तुमने? पीके फिल्म का सीन देखा है ना? फिल्म में ठप्पा दिखाओ। हिंदू धर्म के बारे में पूछो मैं बता दूंगा क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हूं। ऋग्वेद पढ़ा है? हां ऋग्वेद पढ़ा है। सामवेद पढ़ा है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त दसवां मंडल पढ़ा है? अरे यार इतना थोड़ी पता रहता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ लेकिन पढ़ा है। आप लोग ओबीसी बता रहे ना अपनी जाति को तो ओबीसी के बारे में ऋग्वेद में क्या लिखा है? जात ओबीसी नहीं है योगी एक कास्ट है। पुरुष सूक्त दसवां मंडल जाके पढ़ लिए रेफरेंस बता रहा हूँ। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए इसलिए सबसे अव्वल है। जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुए। जो वैश्य व्यापारी बनिया है वो जांघों से पैदा हुआ। शूद्र ओबीसी कैटेगरी के लोग पैरों से पैदा हुए। ये तो भगवान ने बोला है ऋग्वेद में। तो यार क्या उसको इंसान नहीं मानोगे? आप पैरों से पैदा हुआ है उसको। मुंह से बच्चे पैदा हो सकते हैं? कब भी नहीं हो सकते। इसके लिए सेक्स प्रोडक्शन जो और नर और मादा दोनों को मिलना संभव होगा तभी ही बच्चे पैदा होंगे। फिर ये ओबीसी के बारे में ऐसी कहानियां किसने लिख दी? किसने लिखी? कौन है लिखने वाला? ऋग्वेद किसने लिखा? वो तो अब उनको पता होगा कैसे बच्चे पैदा होगा उसमें तो ऐसे भी लिखा, लिखा? किसने लिखा? तो मैं इस वक्त राजस्थान के बांदीकुई इलाके में हूँ और भर्तृहरि यात्रा है। कोई एक इनके डेटी हैं देवता हैं जिसके लिए यात्रा पर ये लोग निकले हैं और डीजे है साथ में महिलाएं हैं नौजवान हैं। ये पताका इस पर क्या लिखा हुआ है? भर्तृहरि महाराज लिखा हुआ है। तो इन लोगों से बात करेंगे थोड़ी। क्या लिखा हुआ है उस पर? जय भर्तृहरि। भर्तृहरि जी कौन थे? भर्तृहरि जी महाराज थे गुरुनाथ के चेला। उन्होंने भर्तृहरि के जाके उससे तप करके गंगा माता भैरी आज भी वो प्रकट है। गंगा माता भैरी उनके गंगा निकल आई थी। हाँ कहाँ पे? भर्तृहरि के जगह कौन सी जगह पे? सरिस्का के पास में ना सरिस्का अलवर जिला में। अलवर में हाँ। और जो वो गंगा हरिद्वार में है वो तो पानी से भर रही है गंगा। ये अपने अक्षमात निकली है पानी से। उसका नाम भी गंगा है? उसका नाम भी गंगा है। ये भी गंगा निकली है। अच्छा ये भर्तृहरि महाराज तप किया था तो पानी की जरूरत थी तो पानी निकला है वहाँ से। जीवता ने समाधि ले ली। क्या ले लिया? जीवता जीवता था ऐसा ही जो नीचे अपना आप समागा। पानी में चले गए? पानी में नहीं धरती में चले गए अंदर और फिर धरती ऐसे हो गई। आप थे वहाँ? किसने देखा था? हमने लिखा पढ़िया जी ग्रंथ से सारो। वाला गुरु गोरखनाथ के चेले थे वो। गुरु गोरखनाथ के चेले थे वो भर्तृहरि जी महाराज जो अपना आप रमागा धरती में ही। धरती में चला गया? हाँ। ऐसे धरती फट गई? फट गई। अच्छा और कभी आप भी चले जाओ तो? अरे हम ऐसा सिद्धि खाए अच्छी सिद्धि खाए हम। क्या कह रहे बाबा? अच्छी तो सिद्धि खा हम चले जाओ फाट दे बटगा बटगा। नाम क्या क्या नाम है आपका जी? हमारा बटगा गया। नाम क्या है? नाम था बच्चूलाल मीणू से। आपका क्या नाम है बाबा? नरसीलाल योगी। नरसीलाल योगी एक योगी यूपी में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनवरलाल योगी है साहब। सारे योगी? अरे बाप रे सारे योगी। तुम लोग आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रामकेश योगी है साहब। रामकेश योगी। ये योगी क्या सरनेम है क्या होता है? योगी योगी हमारी कास्ट है। कास्ट है। किसमें आते हैं ये लोग? ये ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पूरा झंडा उठाए हुए है। ओबीसी का कोई भी उठा सकता है झंडा तो। अच्छा जिसकी श्रद्धा हो उसकी वो उठा सकता है। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। और घर परिवार में कौन है? घर परिवार में मेरे पापा हैं, भाई है बड़ा। सारा कुनबा पूरा परिवार है सारा कुनबा।
और घर में पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं लोग, क्या क्या बने हुए हैं घर में? पढ़ाई लिखाई तो मैंने बी ए, बड़े भाई ने बीएससी कर रखी है, मैंने बीए कर रखी है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटा वाला भाई वो भी गाड़ी करे चलाता है, ये खेती बाड़ी का भी काम है हमारे पास। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाती है? कालवान से शुरू होती है, भरतरी के जाती है। कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। ऐसे पैदल जाओगे? चल पैदल पैदल उगाने पैर, ये ऐसे नंगे पैर जाओगे? तीन दिन का सफर है। तीन दिन का? हाँ। तो इससे आपकी क्या मनोकामना है, क्या आपकी इच्छाएं? मनोकामना तो कहीं जी साहब, सुख समृद्धि रहे, ये इच्छा है बस। अगर चलता रहे, श्रद्धा से भाईचारा बढ़ता है, मतलब धर्म का काम करते भाईचारा अपने आप बढ़ता चले गया। अगर धर्म का काम नहीं करोगे भाईचारा बढ़ता ही नहीं, बंद हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी जाति के लोग हैं? सभी जाति के लोग हैं, मीणा भी हैं, गुजर भी हैं, योगी भी हैं। वो तो जहाँ से ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ से ज़्यादा होते हैं, जहाँ से ज़्यादा मतलब यात्रा के लिए इकट्ठा होते हैं या कमेटी वाले होते हैं, जहाँ का वहाँ की प्रजा ज़्यादा होती है। अब बगल के गांव से दूसरे गांव तो एक दो ही आ पाता है। कभी कितने दिन से जा रहे हैं, पहले भी गए थे? मेरे को 7 साल तो ये यात्रा हो गई, पहले से 3-4 साल पहले गया था पैदल अकेला। 7 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव आया सुख समृद्धि से, बस सुख चैन से रहते हैं आराम से। कुछ हासिल किया जीवन में कि मेरे जीवन का ये काम हो गया? हमें हासिल तो परिश्रम करने से सफलता ही कौन सी, परिश्रम ही है। मेहनत करोगे फल अपना मिल जाएगा, बिना मेहनत करे तो कुछ नहीं मिलेगा, फल तो कर्म तो करना पड़ेगा। मेहनत ही करनी है तो फिर बाकी काम क्यों करें? अब बाकी तो काम तो साहब, काम न करेंगे तो खाओ कहीं, ये थोड़ी है भाई, इसी के भरोसे है, ये तो हमारी श्रद्धा है। आप चलते हैं देवी देवता, लेकिन वो चमत्कार करते हैं ना, खाना आ जाता है ऐसे फिल्मों में मैंने देखा है, टीवी में वो ऐसे अचानक से खाना। वो तो फिलहाल हम तो यहाँ आत्म सम्मान है हमारा, ये चलते रहते हैं, इससे हमारे जनता, हमारी आने वाली पीढ़ी, मतलब धर्म की आस्था बनी रहे तो अच्छा रहता है। मैं महिलाओं से भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? अरे आइए तो एक आजन बात करिए। आंटी क्या नाम है, नाम क्या है? मेरा कमली है। क्या नाम है? कमली। कमली आप भी जा रही हैं यात्रा में? आप अभी जो है यात्रा 90 किलोमीटर दूर जाना है, तो हिम्मत है जाने की? हाँ हिम्मत है। हिम्मत है? हाँ। अच्छा, भर्तृहरि बाबा खींचेगा डोरी। भर्तृहरि बाबा क्या करेंगे? बुलाएंगे वहाँ। बुलाएंगे? हाँ। क्या किया था, फोन वन किया था उधर से? कैसे बुलाया उन्होंने? मन अच्छा से जा रहा हम तो, मन अच्छा से जा रहा, मन अच्छा से अपनी इच्छा से जाते हैं। क्या नाम है आपका? ममता। ममता इसको जाने दो, फिर बात करेंगे। ममता क्या करती हैं, क्या काम करती हैं? ये खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का है। तो बाबा क्या मदद करता है आपकी? बाबा सब मदद करता है। क्या? सभी घर का खर्चा वगैरह सब चलाता है। आपके खेत में वो नुलाई कर देते हैं बाबा? हाँ। नुलाई हाँ सब काम। अच्छा है। आपको नहीं करना पड़ता? आपको नहीं करना पड़ता। तुम क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सियाराम है। सियाराम। हाँ। क्या करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ाई नहीं करते, काम धंधा करते। क्या काम करते हो बेटा? हलवाई काम करते हैं। हलवाई का काम करते हो? तो कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी मिठाई तो सभी लगती है। सभी लगती है? हाँ। तो बाबा जी की भक्ति करते हो तुम भी? हाँ हम भी। तो बाबा जी कभी ऐसा नहीं होता कि सारी मिठाई अपने आप बन गई हो? नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं कभी। ऐसी कभी भी दुआ नहीं मांगी आपने बाबा जी से? नहीं, नहीं। कि बाबा जी ऐसा काम करो ना कि मेरी सारी मिठाई खुद ब खुद बन जाए? मांगते नहीं, बनाना पड़ता है, अपने को बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करते हैं सर। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं खाएंगे। ये यात्रा से क्या मिलेगा? यात्रा सर वो तो चलती रहती है अपनी, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बस बाबा की दुआ चाहिए बस। दुआ में क्या मतलब, आपकी कोई मनोकामना होगी ना? मेरा ब्याह करवा दो बाबा जी, बहु दिला दो, कोई तो मनोकामना होगी? ब्याह तो सब हो गया अपना, तो ब्याह हो गया। अच्छा तो बाबा जी ने करा दिया? हाँ करा दिया पहले ब्याह। बाबा जी ने ब्याह करा दिया। तुम लोग क्या करते हो बेटा, क्या नाम है? पिंटू योगी। क्या नाम है? पिंटू योगी। पिंटू योगी क्या करते हो पिंटू? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे बेटा? पॉलिटेक्निक कर रखी है। पॉलिटेक्निक कर रखी है। क्या ट्रेड था आपके पास में? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल तो अभी जॉब नहीं मिली? नहीं। अच्छा अभी मतलब आगे पढ़ाई करेंगे, मतलब ढूंढ रहे हैं जॉब भी, आगे पढ़ाई करेंगे। आगे पढ़ाई करेंगे तो बाबा जी से क्या मांगेंगे? श्रद्धा। तो नौकरी नहीं मांगेंगे? नौकरी मांग रहे हैं, मतलब सबके लिए कर रहे हैं, मतलब मतलब कि परिवार भी सही रहे, पूरा गांव सही रहे, और अच्छी नौकरी मिल जाए। बस हाँ मिल जाएगी? हाँ मिलेगी, श्रद्धा करेंगे तो। घर में किसी को मिली? अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली मतलब कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति में कोई कमी रहेगी लग रहा है? नहीं।
भक्ति पूरी कर रहे हैं। तो भक्ति पूरी कर रहे हैं तो बाबा जी सुन का ही नहीं रहे? अब वो तो वो जाने बाबा जी से शिकायत नहीं करते जाके कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, 90 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं दे रहे? तभी जा रहे हैं अब यहाँ पे। अच्छा, जो भर्तरी महाराज का मंदिर है उधर आप पुजारी बन सकते हो? हाँ बन सकते हैं। उसके लिए वो चाहिए योग्यता भाई, मतलब कोई मतलब अपना मतलब परिवार में कोई बड़ा हो, वो कुछ मतलब कि मतलब कोई ब्राह्मण हो, मतलब ऐसा कोई बन सकता है। ब्राह्मण बन सकता है ना, मतलब जो मतलब कोई योगी मतलब धारण कर रखो, मतलब जैसे कोई सन्यासी मतलब कोई वन में रहता हो वो ही कर सकता है। अब मतलब हम तो नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे जो चढ़ावा आता है वो तो पुजारी के पास जाता है ना, तो तुम बन जाओ पुजारी। अब वो ऐसे नहीं बन सकते, वो तो उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई कर लो ना, कुछ पेपर वेपर होता हो। उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, वो तो मतलब पहले से ही मतलब अपने दादा परदादा वही मतलब उनके अंडर में रहता है वो तो। ऐसे इस पे बोलो, आवाज नहीं आती ऐसे। बाबा जी सारी बात सुनेंगे माइक से। मैं कह रहा था इसको, ये लड़का योगी है ना, उधर मंदिर में पुजारी बन जाओ जाके। पुजारी बनने से क्या फायदा होगा, वो तो एक भगवान की सेवा के आस्था के लिए रखा है कि भगवान की पूजा अर्चना टाइम टू टाइम होती रहे, इसके लिए पुजारी को रखते हैं। तो फिर बनने में क्या दिक्कत है? बनने में की पूजा तो कोई भी कर सकता है, अपने घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं भी बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कि जो ब्राह्मण होते हैं वो बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई किसी के कास्ट के ऊपर मोर का ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि ISI प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण ही बनेगा। कोई कास्ट भगवान के लिए सबको नंगा पैदा करता है, उसके ऊपर कास्ट का ठप्पा नहीं लगा होता है कि ब्राह्मण है या गुजर है या मीणा है, कोई है। भगवान में आस्था होनी चाहिए। पीके फिल्म का सीन देखा है ना तुमने? पीके फिल्म का सीन देखा है ना? फिल्म में देखता टप्पा दिखाओ। मैं पीके देखता ही नहीं हूँ। मैं आमिर खान में किसी का पिक्चर नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ धार्मिक वीडियो। अच्छा, कौन सा धार्मिक वीडियो? किसी भी रिलीजन, किसी भी धार्मिक, किसी भी भगवान का, किसी का भी पूछ लो मैं बता दूंगा। जैन धर्म का पूछो, सिख का पूछो, किसी भी गुरुद्वारे के बारे में पूछो, हिंदू धर्म के बारे में पूछो, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हूं। ऋग्वेद पढ़ा है? हां, ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त 10वां मंडल पढ़ा है? अरे इतना थोड़ी पता रहता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ, लेकिन पढ़ा है। आप लोग ओबीसी बता रहे ना अपनी जाति को, तो ओबीसी के बारे में ऋग्वेद में क्या लिखा है? जात ओबीसी नहीं है, योगी कास्ट है। कह रहा हूँ आपकी जाति, आपके वर्ग, आपकी कैटेगरी के बारे में ऋग्वेद में क्या लिखा है? मेरी बात को नहीं समझे आप, ये कैटेगरी गवर्नमेंट की बनाई हुई है। ST, आपके भगवान ने चार वर्ग वर्ण बनाए हैं, चार। सुनिए, एक ब्राह्मण है, वो कहते हैं, आपके शंकराचार्य कहते हैं हिंदू धर्म के ऋग्वेद में लिखा है, पुरुष सूक्त 10वां मंडल जाके पढ़ लिए, रेफरेंस बता रहा हूँ। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए इसलिए सबसे अव्वल हैं, जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से पैदा हुए, जो वैश्य व्यापारी बनिया है वो जांघों से पैदा हुआ, शूद्र ओबीसी कैटेगरी के लोग पैरों से पैदा हुए, ये तो भगवान ने बोला है ऋग्वेद में। तो यार क्या उसको इंसान नहीं मानोगे आप? पैरों से पैदा हुआ है उसको इंसान मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे ना? मैं तो मानता हूँ। सब पैदा हुआ हो या भुजाओं से पैदा हुआ हो या जांघ से पैदा हो, क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो भगवान से पैदा हुआ है ना। अरे एक और सवाल का जवाब दो, मुंह से बच्चे पैदा हो सकते हैं? कब भी नहीं हो सकते, इसके लिए सेक्स प्रोडक्शन जो और नर और मादा दोनों का मिलना संभव होगा, तभी ही बच्चे पैदा होंगे। फिर ओबीसी के बारे में ऐसी कहानियां किसने लिख दी? किसने लिखी? कौन है लिखने वाला? ऋग्वेद किसने लिखा? वो तो अब उनको पता होगा कैसे बच्चे पैदा होगा, उसमें तो ऐसे भी लिखा। लिखा किसने? लिखा पैदा हो गए सूर्य से, लेकिन साइंस तो इस चीज को नहीं मानता है, साइंस इस चीज को नहीं मानता है। एक बात बताओ, तुम लोगों की जाति के बारे में, वर्ग के बारे में वहाँ ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, फिर तुम ऐसे जा रहे हो भागे भागे? कहाँ जा रहे भागे भागे? भगवान की आस्था है, आस्था है, जाना चाहिए भगवान की, क्यों नहीं जाना चाहिए? वो धर्म में आपकी जगह तो बहुत खराब है ना। क्यों है? हमारी धर्म कोई खराब नहीं है, भगवान के किसी भी अंग से पैदा हो भगवान के सब अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, ये तो उंगली से कोई पैदा हो जाएगा? ये मैं नहीं मानता कि उंगली से कोई पैदा हो गया या भगवान ने वहां से लेके ये पैदा हो गया। मेरे कान के मैल से ऐसी कहानी भी है, कहानी भी है, तुम धार्मिक टीवी देखते हो, पता है ना कान के मैल से कौन पे निकला था? वो तो उनको पता होगा कैसे निकला था, उनको पता होगा कि कैसे निकला था, लेकिन इस बात को साइंस तो नहीं मानता ना। पहले के जमाने में न्यूटन था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था ना। न्यूटन वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेव गिरी तो उसने क्या कि गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, अपन ऊपर चीज फेंकते फिर भी वो रिटर्न आती है, तो उसके मन में कैसे ख्याल आ गया? इतने वैज्ञानिक हो क्यों? तुम इतने वैज्ञानिक हो? मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। वैज्ञानिक है, इसके पास कारण है, इसको पता है सेव गिरती है,
कोई कहेगा वो तो चमत्कार होता है, ईश्वर ने गिराया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दैवीय शक्ति ऐसी, कोई बोलता है दैवीय शक्ति है, कोई बोलता है ये धरती का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, सबके अलग अलग भावना है। तुम क्या काम करते हो, काम बताओ? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट में क्या? आर्टिस्ट में मैं सोना चांदी डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, जैन मंदिर जैसे मंदिर बनाता हूँ मैं। सोने चांदी के मंदिर बनाते हैं? हाँ, भगवान का नेकलेस होता है ना, हीरे मोती का जो मूर्तियों के जो उनके हीरे जवाहरात या गहने होते हैं वो बनाते हैं। वो बनाता हूँ। क्या काम करते हो? काम क्या करते हो ये बता। काम कुछ नहीं है। क्या काम करते हो? पढ़ता हूँ। क्या डिप्लोमा किया है? डिप्लोमा किया हुआ है। कौन सा डिप्लोमा? इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक। तुम लोग क्या काम? काम क्या करते हो? काम बताओ, बाबा बता देंगे अपना। क्या काम करते? स्टडी करते हैं। कौन सी तैयारी? बीए फाइनल। बीए फाइनल की तैयारी करें। आप तो भाई ये तो अमीर लोग हैं। आप क्या काम करते हैं? हलवाई। ये तो बता दिया। तुम क्या काम करते हो? मैं बीए फाइनल किया। बीए फाइनल कर रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो बेटा? बता दिया। ये तो अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है पॉलिटेक्निक करके। तुम क्या काम करते हो बेटा? बताओ। क्या काम करता है? क्या पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नौवीं में पढ़ते हो। ये सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। योगी जाति बताई आप लोगों ने। योगी हैं, जानने वाले लोग हैं, इनको पता है धर्म में इनके बारे में क्या लिखा है। लेकिन धर्म तो भाई धर्म है, उसको आस्था के नाम पे कहीं ले जाइए। 90 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन क्या इस यात्रा से इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होगा? क्या इनकी ज़िंदगी में कुछ अमन चैन आ जाएगा, कोई काम बन जाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।